मुझसे लड़ने आया हो, मारने आया हो, तुम्हारी मेहमान नवाजी की जाएगी। आसानी से मारे जाओगे, हिम्मत है तो आ जाए। अपनी औकात में रहो तो अच्छा है। कीड़े, अब तुम लड़ना शुरू करोगे और मरोगे। सुकूना का निशाना बनकर मुझे वाकई में खुशी हुई। सो हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैंने अपने इस वर्ल्ड में ऐड करा है गोजो, यानी कि जुजुत्सु काइज़न का मोड। सबसे बेहतरीन मोड है ये वाला, सबसे बेस्ट मोड है जुजुत्सु काइज़न का। और इसमें बनाऊँ मैं अब टोजी, क्योंकि मेरे को अभी गोजो के वो लाइफ नहीं मिली। रुको, पहले टोजी बनकर थोड़ा धमा चौकड़ी करते हैं। पर धमा चौकड़ी कुछ होगी भी नहीं, धमा क्या पसंद है यार मेरे को, तो गोजो बनता हूँ ना। मैंने ये कोला पी के बन चुका हूँ गोजो। हाँ, ये कोला पी के हमारे वो चेंज होता है क्लैन, जैसे कि पहले तो मैं टोजी था, अब मैं बन चुका हूँ गोजो। तो अब देखते हैं कौन कौन सी ताकत है मेरे पास। लिमिटलेस, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से देखता हूँ। आ जा विंडिकेटर, मेरे को टच भी नहीं कर सकता, तो देख रहा है तेरी तेरी औकात हो गई। अब देख गोजो बन के, अब देखते हैं ब्लू के अटैक। ये सिंपल ब्लू वाला अटैक, ठीक है। अब मैं करूँगा मैक्सिमम आउटपुट ब्लू, और सबको मालूम है मैक्सिमम आउटपुट ब्लू कितना खतरनाक है। लेकिन एक मिनट, ये पहले एक कमांड नहीं है, मतलब तुम्हें सिर्फ ये लिखना है चैट में अपने, जिससे ये आ जाएगा सेटिंग्स का, जिसमें मैं इन सब चीज़ को ऑन कर देता हूँ, जिससे मैं जब फेंकूँगा तो एकदम एनिमे वाली वाइब आएगी। देखो जैसे कि ये कैमरा रोटेशन होगी, और अब देखते हैं मैक्सिमम ब्लू कैसे हमला करता है। ओ, पीछे से इवोकर भी आ गया, लेकिन कोई नहीं बचेगा तुम्हें मालूम है। मैक्सिमम आउटपुट ब्लू इतना खतरनाक होता है, क्योंकि अब मैं पूरा अपने मुंडी को गोल घुमाऊंगा, मेरे आजू बाजू के जो ब्लॉक है, सिर्फ मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो ब्लॉक बचेगा, बाकी सारा इलाका तबाह। मैंने इलाका नहीं, एक सर्कल में मैं सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा, जैसे कि विंडिकेटर, ज़ॉम्बी, इवोकर, सब के सब इस ब्लू आउटपुट के अंदर आ जाएंगे। देखो इवोकर भी आ चुका है, और कौन कौन जो भी मॉब होगा ना आजू बाजू मेरे 5-6 ब्लॉक या फिर 20 ब्लॉक की दूरी पर, वो सब इस ब्लू के अंदर आ जाएंगे। देखा, मैं जहाँ खड़ा हूँ वही जगह बची हुई है, बाकी सारी चीज़ खत्म हो चुकी है। लेकिन एक मिनट, मेरे अभी तक अभी मैं गेम में जस्ट पैदा ही हुआ हूँ, और मैं रेड सीखूंगा, पता है, क्योंकि मेरे पास अभी वो रिवल्सर रेड नहीं है ना, वो रेड जो मारता है। हाँ यस, मेरे को सिर्फ मरने की मतलब कगार पे आना है, ताकि मेरी विंडिकेटर से मैं इतनी बुरी तरह से पिटाऊँ, जिससे मैं अब रेड को यूज़ करके अपने आप को हील कर लूँगा। तो अब मैं अब नहीं रेड को यूज़ करूँ कि ना करूँ, अभी रुक जाओ, रेड को यूज़ करता हूँ, फिर तुम्हें मालूम है रेड और ब्लू को क्या करना है। बड़ा ख़तरनाक होगा, मतलब कैसे वो मूव भी सीखना है मेरे को, ख़तरनाक वाला। हॉलो पर्पल कैसे सीखते हैं मेरे को मालूम नहीं, पर एक बुरी बात आ गई, बताए क्या गाइस, इस मोड के अंदर चांसेस है, मतलब बड़े मुश्किल से चांस मिलता है तुम्हें कि तुम 6 साइज को अनलॉक कर पाओ, लेकिन मेरा अभी 6 साइज अनलॉक नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ देखता हूँ मैं हॉलो पर्पल बना पाऊँगा कि नहीं, जल्दी से देखता हूँ। अभी मेरे पास सिर्फ ब्लू और रेड दो ही हैं, मैं अभी हॉलो पर्पल और डोमेन एक्सपेंशन दोनों में से कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी मैं जस्ट पैदा ही हूँ, तुम्हें मालूम ही है। तो अब ये रेड को यूज़ करता हूँ, ब्लू और रेड को मिक्स करके, जहाँ तक मैंने मांगा में देखा है, ब्लू और रेड को यूज़ करके बनता है हॉलो पर्पल। और सच में हॉलो पर्पल बन गया, भैंस क्या कितना बड़ा धमाका हुआ है। ये पर्पल तुम्हें लिख रहा है ना, ब्लू के अंदर से पर्पल वाली रेड्स निकली एकदम खतरनाक। ओ भाई साहब, वो नहीं, मैं सबसे पहले तुक्का लगा है, मैंने ट्यूटोरियल नहीं देखा, मैंने मांगा में देखा था ब्लू और रेड को जोड़ते हैं तो फिर खतरनाक ब्लास्ट होता है, और मैं मांगा पे स्पॉयलर्स नहीं दे रहा, बड़ा खतरनाक अटैक था यार। तुम देख रहे हो आधा मेंशन उड़ा दिया मैंने, अब मैं इन्फिनिटी यूज़ करता हूँ, आ जा, मेरे को छू भी नहीं सकता तू विंडिकेटर, देख रहा है। इस वक्त मैं मतलब गॉड बन चुका हूँ, यू नो मतलब क्या कहते हैं उसे, डिवाइन ग्रेड। हाँ, वो लोग कहते हैं ना स्पेशल ग्रेड, मैं डिवाइन ग्रेड हूँ। हाँ, जुजुत्सु काइज़न में ये ग्रेड्स का फॉर्मूला तुम्हें मालूम नहीं हो, जो देखा है जुजुत्सु काइज़न तो देख ही रहे हैं, और जिनको नहीं मालूम मैं बता दूँ, ये बड़ा खतरनाक मोड है जुजुत्सु काइज़न का। तो मतलब अपने वर्ल्ड के अंदर इतनी ये वाली लिमिटलेस वाली टेक्निक लेके पूरे गेम कैसे तैसे कर सकते हो। हाँ, मैं भी एंडर ड्रैगन को भी मार के देखूंगा, मैं जाऊंगा भी वहीं पे। और हॉलो पर्पल मैंने दूसरी बारों कर दिया, कितना बड़ा धमाका हुआ भैंस क्या, मैं तो नहीं मर जाऊंगा अपने हॉलो पर्पल से। नहीं नहीं नहीं, मैं जहाँ तक देखा है मांगा में, मैं तो बच जाऊंगा, बाकी मैंने एनिमे में बहुत कम देखा है कि हाँ वो ब्लू को और रेड को अलग अलग मतलब फेंकने के बाद यूज़ करता है, वो अपने हाथों में यूज़ करता है ब्लू और रेड को। पर मैं तो सबसे पहले तो ब्लू मैक्सिमम आउटपुट फेंका था, और फिर उसके ऊपर रेड रिपल्सर के शॉट मारा, तब जाके इतना बड़ा धमाका हुआ है। तुम देख रहे हो अलग ही मैंने एनिमे बनाया। हाँ, मैंने मांगा में देखा था, तभी मेरे को मालूम पड़ा, उसने जिसने मोड बनाया उसको भी मालूम है ये बात, मांगा देखा हो उसने भी। अंदर चलते हैं, और यहाँ पे मैं अब ना एकदम इस ये जो आधा अधूरा मैंशन है इसके बीचों बीच बनाऊँगा हॉलो पर्पल, और फिर देखना क्या होगा। ये आधा जो बचा है वो भी नहीं बचेगा। अब बनाते हैं यहाँ पे मैक्सिमम ब्लू आउटपुट,
और ये बन गया है, मैंने क्राउच करके ऐसे अनलिस्ट कर दिया है, यानी कि अब मैं ऐसे कंट्रोल नहीं कर रहा है, सिर्फ बन चुका है। और अब मैं शॉट मारूंगा रेड रिवर्सर का और खतरनाक ब्लास्ट हॉलो पर्पल का। बहुत बढ़िया शाम हो गई और एक मिनट खत्म सब कुछ यार, एडवेंचर खत्म। मैं नीचे गया भाई। ओ भाई मैं फेंक दिया मेरे को, कितना खतरनाक सोनिक बूम हुआ है वहाँ पे, तुम देख रहे हो। मेरे पास उड़ने की एबिलिटी आ चुकी है, तुम देख रहे हो, लाए क्रिएटिव में नहीं हूँ मैं, एबिलिटी है मेरे अंदर उड़ने की। और आधा का भी एकदम 1/4 पार्ट बचा है यहाँ पे। ओए हाँ नहीं, मैंने बनाया ये, मेरे पास कमांड था जिससे मैंने सीधा आ चुका हूँ सीधा एंडर ड्रैगन के पास, और इस वॉइड में आके मैं तेरे को ख़त्म कर दूंगा। ये वॉइड में आने के बाद मेरे पास अनलिमिटेड वॉइड वाला मतलब डोमेन एक्सपेंशन आ जाएगा कि नहीं, बता नहीं इस बात का मेरे को। ये एंडरमैन भी इन्फिनिटी यूज़ करते हैं क्या? तुम देख रहे हो ना बॉडी में रहते हैं, कुछ तो सेंस है गोजो का और एंडरमैन का। हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम दिल पे मत लेना गोजो फैंस। इसमें सुकूना की पावर भी है, अगली बार मैं सुकूना और हीरो ब्रांड से लड़ूंगा। सबसे पहले मैं हीरो ब्रांड से लड़ूंगा, बाद में सुकूना को देखेंगे। सुकूना ने तो माहौरागा को मारा और ये ब्लू खतरनाक अटैक कर रहा है। अब मेरे को इधर रेड शॉट मारना है, एंडर ड्रैगन की ऐसी तैसी होगी, एकदम खतरनाक सीरियस माहौल है। और ये फट गया भैंस के, ओ नहीं नहीं रेड फटा है यार ये रेड, अरे एंडरमैन सामने आ गया था उसके मुंह पे रेड फट गया, उसका मुंह फट गया वो बात अलग है। अरे यार वो एंडर ड्रैगन को लेकर जा रहा है ब्लू, मैक्सिमम वो मैक्सिमम ब्लू भी इधर को अपने आप ही अपनी जगह से हिल गया, यार वो हिला नहीं था उसको। अब ठीक है, अब इस ब्लू को यहीं छोड़ देता हूँ। अब एंडरमैन को सामने ना आया, बस एंडरमैन तेरी ऐसे तैसे कर दूंगा, वापस सामने बताइए। और ये रेड का शॉट मारा और ये खत्म कहानी एंड पूरे एंड पोर्टल की भाई। और तुम देख रहे हो ना कैसे, ये देखो आधा तोड़ खत्म कर दिया भाई मैंने, वो जहाँ था ना उसके सीधा 200-500 ब्लॉक खत्म कर दिए मैंने। एंड ड्रैगन का है वो रहा ऊपर मर गया, वो अलग ही अपनी उस इस धमाके से उधर चला गया तो दूर को। ये हुई ना बात, ये मैं इसलिए मोड पसंद करता हूँ धमा चौकड़ी के लिए। तो अगली वीडियो में मारूंगा हीरो ब्रैन को, तो मिलते अगली वीडियो में, तब गुड बाय। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, लाइक दिस टाइप ऑफ मोड, और मेरे को कमेंट करो कौन से मोड से।